हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सूरन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सूरन की सब्ज़ी दीपावली में तो ज़रूर बनाई जाती है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे कैसे बनाते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूरन को हमने अच्छी तरह से धोकर काट लिया है, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया है। अभी हम इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। इसमें हमने 1/2 चम्मच नमक मिला दिया है जिससे ये अच्छी तरह से गल जाए। अभी हम इसको 1 चम्मच तेल डालकर नॉन स्टिक पैन में या किसी भी कढ़ाई में आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। इससे ये बहुत ही अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट। तो जब तक हमारी सूरन की सब्ज़ी फ्राई हो रही है, चलिए हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और जब हमारे सरसों के तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमें इसमें जीरा डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देना है और आप चाहे तो बड़ी वाली इलायची और कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं और इसको रफली इसको चॉप कर लिया है और 5-6 लहसुन की कलियाँ लिया है और 3-4 हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना भी तीखा खाना पसंद हो। आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। अभी हमारा तड़का जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हमें सारे कटे हुए इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और आंच को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक हमारा तड़का भून रहा है तब तक हम इसमें डालने के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। मसाले में हमने गरम मसाला, हल्दी और धनिया और रेड मिर्च का घोल तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इन मसालों को अच्छी तरह से मिला लें, फिर उसके बाद इसमें कढ़ाई में डालें जिससे मसाले जलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए मैंने मसालों को डाल लिया है। अब इसे बिल्कुल स्लो आंच पे अच्छी तरह से मसालों को पका लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी हम इसमें जो हमने फ्राई किया हुआ सूरन था उसको इसमें डाल देंगे। सूरन को अच्छी तरह से मसालों में मिला लें। यदि आपको सूखे खाना हो तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं।
पका के। एंड अगर आपको ग्रेवी वाली खानी हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितना पानी ऐड करना हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सूरन की सब्ज़ी ग्रेवी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारी सब्ज़ी पककर रेडी हो गई है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया काट कर डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, और कैसी लगी हमारी रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।